हाँ तो डियर, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का जो है समाजवाद और साम्यवाद का, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 3। एक दो हम जो है पहले से बता दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, वहाँ पे हम दे दिए हैं लिंक। तो चलिए आज 3 नंबर पर बात करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। क्या हुआ, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है, ये आप लोग आंसर लिखिएगा। तो लिखना है रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। देखिए पहल का प्रभाव जो है देखते हैं, कह रहा है रूसी क्रांति के बाद श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूप में स्थापित हो गए। यानी कि क्या हुआ बुआ, जो रूसी क्रांति के बाद ना श्रमिक और सर्वहारा वर्ग की जो सत्ता थी वो जो है स्थापित हो गई। कंप्लीट है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है विश्व दो विचारधाराओं में विभक्त हो गया। देखिए पूरा विश्व यानी कि पूरा दुनिया जो है 2 गो विचारधारा में बट गया, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। कंप्लीट है। यूरोप भी जो है यूरोप भी 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया, यानी कि यूरोप भी जो है 2 गो क्षेत्र में विभाजित हो गया, पहल का जो है पूर्वी यूरोप और दूसर का पश्चिमी यूरोप। कंप्लीट है। और देखिए तीसरा प्रभाव क्या पड़ा रूसी क्रांति का वो देख लेते हैं। तीसरा प्रभाव इधर है, कह रहा है इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका जैसे देशों को उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहन दिया। यानी कि क्या हुआ, जो रूसी क्रांति जो है एशिया और अफ्रीका जैसे जो महादेश है ठीक है उसके उसमें जो लोग थे ठीक है उनको जो है यानी कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो है ठीक है और छुटकारा पाने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया, यानी कि मोटिवेट हुए रूसी क्रांति को देख के जो है अफ्रीका हो या फिर उसका आपका जो एशिया महादेश है वहाँ सब के जो लोग थे उसके अंतर्गत जो भी देश आता था उस सब के जो लोग थे उनके अंदर जो है एक ऐसा प्रोत्साहन जगा जो अब हम भी जो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। कंप्लीट है। तो वही मोटिवेट हुए सब ठीक है। चले 4 नंबर का देख लेते हैं ना, अंतिम है। कह रहा है पूंजीवादी गुट और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यानी कि क्या हुआ, रूसी क्रांति के बाद हुआ पूंजीवादी गुट और सोवियत रूस के बीच दोनों के बीच जो है शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध आप लोग समझ गए होंगे, शीत युद्ध किसको कहते हैं, जो वाक द्वंद के द्वारा यानी कि बोल चाल के द्वारा जो है लोग जो है एक दूसरे को जब दिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई ठीक है, जिससे दोनों वर्गों में शस्त्रों को बनाने की ओर चले, जिससे क्या हुआ दोनों वर्ग में जो है शस्त्र यानी कि जो बंदूक है जो भी मतलब कि हथियार है ठीक है उसको बनाने की ओर जो है जग गए। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है ये वीडियो जो है बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।